पहली बार सांसद बनी नुसरत जहां एक बार फिर से सुर्खियों में है। हाल ही में हिंदू रीति रिवाज से शादी की है और सिंदूर और मंगलसूत्र पहनने को लेकर ट्रोलर्स का शिकार हुई हैं। लेकिन इस बात का उन्होंने बखूबी जवाब दिया। इसी बीच नुसरत ने ट्वीट कर ये जानकारी दी है कि उन्हें जगन्नाथ रथ यात्रा में शामिल होने का न्योता मिला है और वो पूरी जरूर जाएंगी, ये उनके लिए सौभाग्य की बात है। सूत्रों के मुताबिक बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी और टीएमसी सांसद नुसरत जहां जगन्नाथ रथ यात्रा में गेस्ट के तौर पर शामिल होंगी और ममता बनर्जी द्वारा भगवान जगन्नाथ की रथ की रस्सी खींचकर रथ यात्रा का शुभारंभ किया जाएगा। पूर्व क्रिकेटर सौरव गांगुली की पत्नी डोना गांगुली भी इस अवसर पर मौजूद रहेंगी। स्कॉन के प्रवक्ता ने नुसरत जहां को मुख्य अतिथि के रूप में आमंत्रण देने के सवाल पर कहा कि हम सभी धर्मों को मानने वाले लोग हैं, हमें पाया कि नुसरत के विचार हमारे विचारों से मिलते हैं, सभी धर्मों का आदर करती हैं वे, ऐसे में एक राजनेता के रूप में वो निश्चित ही आज के युवाओं को अपने विचारों से प्रभावित करेंगी। नुसरत जहां द्वारा हिंदू रीति रिवाज से शादी करने के बाद मुस्लिम कट्टरपंथियों ने उन पर कई सवाल खड़े किए थे, लेकिन उन्होंने जवाब दिया था और ये कहा था कि उन्होंने वही किया जो उनके दिल ने कहा। आपको बता दें कि जगन्नाथपुरी में अषाढ़ मास में निकाली जाने वाली रथ यात्रा इस साल 4 जुलाई 2019 को शुरू होगी। इस यात्रा में भगवान विष्णु के अवतार भगवान जगन्नाथ, उनके भाई बलभद्र और बहन सुभद्रा रथ पर सवार होकर निकलते हैं। इस यात्रा को देखने के लिए लाखों की संख्या में श्रद्धालु पहुंच चुके हैं। रथ यात्रा की शुरुआत 4 जुलाई को दोपहर 12 बजे मिंटो पार्क से होगी। 8 दिन तक चलने वाले इस उत्सव में ब्रिगेड परेड ग्राउंड पर भगवान जगन्नाथ के रुकने के दौरान रोज उनका नया नया श्रृंगार होगा, साथ ही छप्पन भोग भी लगाया जाएगा। इस बार रथ यात्रा की खास बात यह है कि इसमें स्कॉन मंदिर की ओर से एक थीम रखी गई है जो है उनका ख्याल रखो जिन्होंने हमारा ख्याल रखा है। ये थीम बुजुर्गों पर आधारित है और इसके पोस्टर और बैनर शहर भर में लगाए गए हैं। आनंद मोहन दास ने बताया कि रथ यात्रा के जरिए लोगों को अपने परिवार के बुजुर्गों को सम्मान करने की शिक्षा दी जाएगी। Subscribe our channel and press the bell icon for more updates.